अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल ज़बरदस्त फ्लेवर वाली कोकोनट चिकन करी। मेरे बताए हुए तरीके से आप चिकन करी को नहीं बनाया हो तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपकी ये फेवरेट करी में से एक होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चिकन करी को बना लेते हैं। चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 केजी चिकन को धोकर साफ कर लिया है। चिकन को पहले हम मैरिनेट कर लेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी डाल लिया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक को डालकर चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से चिकन को मैरिनेट कर लेने से चिकन में मसालों का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छी तरह से आएगा। करी में हमारे चिकन पीसेस जो है फीके नहीं लगेंगे। चिकन को अब हम साइड में रख लेंगे, करी बनाने का आगे के प्रोसेस को देख लेंगे। अब हम कुछ सूखे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 टीस्पून यहाँ पर मैं साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 मैंने काली मिर्च को लिया हुआ है, 10 मैंने सूखी लाल मिर्च को लिया हुआ है। आप सूखी लाल मिर्च डालना नहीं चाहते हैं, लाल मिर्च पाउडर को भी करी में डाल सकते हैं। इन्हीं मसालों से हमारी करी बहुत ही स्पेशल बनकर तैयार होती है। मसालों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जलाना भी नहीं है, हल्की धीमी सी एक फ्लेवर रिलीज हो जाए उतना ही काफ़ी है। मसालों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पैन में मैंने 2 टीस्पून तेल को डाल लिया है। एक पतले स्लाइड्स में कटी हुई मीडियम साइज की प्याज को अब हम पैन में डाल लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, प्याज हमारी सॉफ्ट होना चाहिए, हल्का कलर चेंज होना चाहिए, उतना ही हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज का हमारे कलर चेंज हो गया है। अब हम प्याज में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे और प्याज को भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कच्चे नारियल को पतले स्लाइड्स में काटकर पैन में डाल लिया है। नारियल को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। नारियल को मैंने गोल्डन ब्राउन भून लिया है, इसे अब हम निकालकर फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। भुनी हुई लाल मिर्च और धनिया में हम 4 मीडियम साइज के टमाटर को डालेंगे, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 लौंग को डालकर उसे भी हम फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में 1 कप तेल को लिया है। तेल को गर्म करके मैंने 2 तेज पत्ता और 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज को डाल लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। अब हम हमारे मैरिनेट किया हुआ चिकन को पतीले में डालकर तेल में अच्छी तरह से 1-1.5 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन का सारा मॉइस्चर खत्म हो गया है। अब हमने जो पीस कर रखा हुआ था उस मसाले को चिकन में डाल लेंगे। डालकर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने यहाँ पर चिकन के मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन की ग्रेवी आपको गाढ़ी चाहिए तो आप भी इसी कंसिस्टेंसी में पकाकर सर्व कर सकते हैं। आपको करी कितनी पतली चाहिए उतना पानी को ऐड कर ले। अब हम करी में स्वाद अनुसार नमक को डाल लेंगे। ढककर करी को अब हम लो मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। चिकन करी को मैंने 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। मैंने यहाँ पर 1/2 कप इमली के जूस को करी में डाल लिया है, थोड़े से कटे हुए हरे धनिया के पत्ते और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर क्रश की हुई कसूरी मेथी को डाल लिया है। इन सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे।
लो तैयार हमारी बढ़िया सी फ्लेवर और टेस्ट वाली चिकन करी। आप इसे किसी भी पार्टी में या कोई भी मेहमान आपके घर आया हो, इस करी को जरूर बनाएं। आपकी बहुत तारीफ होगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।